मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में सब्जेक्ट हिंदी पार्ट दो कबूतरों की एकता, ये पार्ट मैंने आपको आगे समझा दिया है। इसके हार्ड वर्ड्स भी मैंने आपको लिखा दिए, अभी तो भी मैं आपको शॉर्ट में ये चैप्टर आपको समझा देती हूँ। एक घना जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उसमें बहुत सारे कबूतर रहते थे। वो कबूतर एक दिन खाने की खोज में दाने की खोज में जंगल से बाहर निकले और वो उड़ रहे थे, तभी उनको एक जमीन पर दाने दिखे, बहुत से दाने बिखरे हुए गेहूं के दाने दिखे। तब उनको क्या हुआ, वो नीचे आए और उन्होंने क्या किया कि वो दाने दाने देखकर उनको खाने की इच्छा हो गई। पर उनके साथ एक बूढ़ा कबूतर था, उसने सोचा इतने सारे दाने बिखरे, उसमें कुछ गड़बड़ है जरूर। वो एक पास के पेड़ में जाके बैठ गया, लेकिन वो दूसरे जो कबूतर थे, जो नौजवान कबूतर, वो खाने वो दाने चुभने लगे, काय के चना दाने, गेहूं के दाने, वो दाने चुभने लगे। तभी वो बूढ़ा कबूतर वो पेड़ पे सब देख रहा था, पर वो उन्होंने उसको मना उनको मना किया कि आप मत खाओ ये दाने, तो भी वो लोग नहीं समझे। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो ऐसे दाने चुभने, तभी वो लोग जाल में फंस गए और जाल से बाहर नहीं निकल पाता। उनको लगा कि अभी हम कैसे उड़े, तो फिर वो जो बूढ़ा कबूतर था उसने बोला मेरे पीछे आओ, जोर से ऐसे जोर करो और जाल के साथ उड़ सकोगे आप लोग। फिर उन्होंने क्या किया, बूढ़े कबूतर ने जोर से ऐसे जोर लगाया और उनको जो जाल होती ना उसके साथ उड़ा दिया। सब उड़ के फिर एक जगह गए, वहां उस बूढ़े कबूतर ने क्या किया, उसका एक जो पुराना दोस्त था चूहा था, कौन था, चूहा, उसको लेकर आए और वो जाल उससे कटवा दी। किससे कटवाई, चूहे से, और सब कबूतर भाग मीन्स ये हो गए, क्या हो गए, फ्री मीन्स जाल में से निकल गए भाग। मीन्स देखो एकता होती है, इस चैप्टर का नाम क्या है, कबूतरों की एकता। मीन्स सब ने देखो एक साथ मिलकर क्या किया, एकता थी तभी ये लोग सब निकल गए। अगर एकता नहीं होती तो अपने कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। अभी मैं आपको इसके सही विकल्प का चिन्ह लगाओ ये बताऊंगी, ठीक है। अभी पीपल का विशाल पेड़ कहाँ था, मैंने आपको भी बताया पीपल का विशाल पेड़ कहाँ था, जंगल में, गाँव में, शहर में, तालाब में। तो क्या आएगा, जंगल में, तो जंगल पे टिक, ठीक है। नेक्स्ट, जमीन पर किसके दाने बिखरे हुए थे, मैंने अभी बताया गेहूं के, तो देखो चावल के, गेहूं के, बाजरे के, चने के, तो क्या आएगा, गेहूं के, इस पे टिक। नेक्स्ट, कबूतर किसे देखकर घबरा गए, चावल को, जाल को, बहेलिए को, चूहे को, किसको देखकर घबरा गए, जाल को, मीन्स वो जाल में फंसने लगे ना, तब वो जाल को देखकर घबरा गए, तो जाल पे टिक। जाल किसने काटा, अभी मैंने बताया चूहे ने काटा, जो बूढ़ा कबूतर का दोस्त था, मालूम है ना। तो आपको देखो चूहे ने, बूढ़े कबूतर ने, बहेलिए ने, गिलहरी ने, तो किसने काटा, चूहे ने, तो चूहे पे टिक। ये सबको आंसर आने चाहिए, एक बार आपको घर से लिखना है और लर्न भी करके आना है। देखो होमवर्क आपका, राइट एंड लर्न। ये होमवर्क बुक आपको इसको लिखना है और लर्न भी करना है, खाली लिख के रखना नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू।